के वो तीन बाइक पे सवार व्यक्तियों के द्वारा, जो तीनों मास्क पहने हुए थे, उनके द्वारा रोका गया और रोक करके स्कूटी को रोका गया, रोक करके फायरिंग की गई, जिससे महिला जख्मी हुई है, उसको गोली लगी है और उसको उसका प्रशांत हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। एक बार फिर मुजफ्फरपुर गोलियों की तरतराहट से दहल गया है। आपको बताते चले कि अपने घर से ड्यूटी के लिए जाने के लिए निकली महिलाओं के ऊपर अपराधियों ने बरसाई है गोलियां, जिसमें चार गोली महिला को लगी है। गंभीर स्थिति में मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बेला थाना क्षेत्र का है, जहां की आज मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट की रहने वाली एक महिला अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए निकली थी, तभी बेला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने महिला को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें कई गोलियां महिला को लगी है, जिसके बाद गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों के द्वारा महिला को मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में पूछे जाने पर मुजफ्फरपुर के सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि अज्ञात बाइक सवार अपराधियों के द्वारा महिला को गोली मारी गई है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि लूटपाट की वारदात घटना से सिटी SP ने पूरे मामले से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपसी या पारिवारिक विवाद के कारण महिला को गोली मारी गई है, क्योंकि इससे पहले भी महिला पर हमला हो चुका है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी SP अवधेश दीक्षित क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। आज सुबह 10:15 बजे के आसपास बेला थाना अंतर्गत बियाड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक महिला जो डेली रूटीन के तहत अपने काम के लिए अपनी फैक्ट्री में जा रही थी, उसके वो तीन बाइक पे सवार व्यक्तियों के द्वारा, जो तीनों मास्क पहने हुए थे, उनके द्वारा रोका गया और रोक करके स्कूटी को रोका गया, रोक करके फायरिंग की गई, जिससे महिला जख्मी हुई है, उसको गोली लगी है और उसको उसका प्रशांत हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। कितनी गोली लगी है सर? ये तो अभी कहना मुश्किल है, 2 से 3 गोलियां महिला को लगी है। क्या कुछ कारण सर सामने हुआ? इसमें पारिवारिक कुछ ना कुछ पर्सनल मैटर है, जिसको लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने पूछताछ में ये चीज सामने आई है कि पहले भी महिला के साथ में कुछ दिन पहले भी शायद झगड़ा हुआ था किसी का, तो उसी चीज पर। नहीं नहीं, लूट जैसा कुछ नहीं है उसका। महिला का सारा सामान सुरक्षित है, महिला के पास में है, और आसपास जो लोग देखे हैं, कुछ साक्षी भी हैं जिन लोगों ने देखा है फायरिंग होते हुए और महिला के साथ मारपीट करते हुए, वो लोग भी बोल रहे हैं कि लूट जैसा कुछ नहीं हुआ। मोटिव क्या था सर? मोटिव जैसा आपको बताया, कोई ना कोई पर्सनल डिस्प्यूट है, उसकी हम लोग अभी जांच करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी SP अवधेश दीक्षित क्या कुछ बता रहे थे, वही आपको बता दें कि घटना आज अहले सुबह की है, जब महिला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट से अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए निकली थी, तभी बेला थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने महिला को घेरकर उस पर गोलियां बरसा दी है, जिसमें कई गोली महिला को लगी हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर स्थिति में महिला को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वही मामले की सूचना मिलते ही जिले के वरीय पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की है। पूरा मामला CCTV में सामने आया है, जिसमें एक बाइक से अपराधी गोलियां बरसाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ 24 घंटे पहले हुई थी, और ठीक 24 घंटे के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने गोलियां बरसाकर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।